हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहे हैं नवरात्रि और आने वाली है विजयदशमी। तो आप सबको पता है विजयदशमी की कहानी क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है। तो अभी हमारे नवरात्रि चल रहे हैं, इसमें सभी लोग जो दुर्गा सप्तशती है उसका पाठ करते हैं। मैं भी करती हूँ और अक्सर ज़्यादातर लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। पर क्या आप लोगों को पता है कि जो दुर्गा सप्तशती हम करते हैं उसकी कहानी क्या है और उससे जुड़ा जो राज है वो बहुत क्या से लोगों है? को नहीं पता होगा वो कि क्या है दुर्गा सप्तशती के पीछे की कहानी। तो चलिए आज वही मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कि दुर्गा सप्तशती हम लोग क्यों करते हैं और क्या है इसके पीछे की कहानी। तो जैसा कि सबको पता है कि माता रानी के 9 रूप हैं और नव दुर्गा में हम लोग उन्हीं 9 रूपों की पूजा करते हैं। तो एक बार की बात है, एक राजा था महिषासुर, जो राक्षसों का राजा था। तो उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं औरत के अलावा किसी के हाथ से भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी बहुत जल्दी वरदान दे देते थे, शिव जी और ब्रह्मा जी, और राक्षस ज़्यादातर शिव जी और ब्रह्मा जी की ही पूजा करते थे। आप लोगों ने जितना भी पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी राक्षस ने विष्णु भगवान की पूजा की। हमेशा वो ब्रह्मा जी और शिव जी को ही प्रसन्न करते थे और वो लोग खुश होकर बहुत जल्दी वरदान दे देते थे। तो ऐसे ही महिषासुर ने किया, उसने ब्रह्मा जी की पूजा की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने वरदान दे दिया। उसके बाद महिषासुर जो था वो इतना घमंडी हो गया कि उसने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज कर लिया और उसके बाद उसने इंद्रलोक पर भी चढ़ाई कर दी और इंद्रलोक को भी अपने वश में कर लिया। जब इंद्रलोक को अपने वश में कर लिया तो सारे देवतागण भयभीत हो गए और भयभीत होकर सीधे त्रिदेव के पास पहुँचे और त्रिदेव से प्रार्थना की कि इस तरीके से महिषासुर ने मेरा जो इंद्रलोक है वो भी अपने कब्जे में कर लिया है, तो अब आप ही लोग कुछ कर सकते हैं, आप लोग हमारी मदद करो कि हम क्या करें। तब त्रिदेव ने मिलकर एक रचना की और जिससे माता देवी का अवतार हुआ और फिर उसके बाद माता देवी को जितने भी वहाँ पे मौजूद थे देवता गढ़ वगैरह सब ने अपना अपना एक हथियार उनको प्रदान किया। और उसके बाद त्रिदेव ने कहा कि अब आप महिषासुर का अंत करिए, आपके द्वारा ही महिषासुर का अंत होना है। तो उसके बाद माता रानी चल पड़ी महिषासुर का अंत करने के लिए। अब माता रानी और महिषासुर का युद्ध शुरू हो जाता है और युद्ध लगातार 10 दिन तक चलता है। इसमें जो महिषासुर होता है वो बार बार वेश बदल कर माता रानी से लड़ता है, वेश बदल बदल कर, और 10 दिन तक इस मतलब ये युद्ध चला। उसने कहीं भैंसे के रूप लिया, कहीं किसी जानवर का रूप लिया, वो इस तरीके से भेष बदलता था, अलग अलग लोगों के रूप ले लेके और माता रानी से लड़ता था। तो लास्ट में 10वें दिन जो माता रानी थी उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने 10वें दिन महिषासुर का अंत कर दिया। और इसी वजह से जो हमारे विजयदशमी का त्यौहार है वो मनाया जाता है, क्योंकि माता रानी ने महिषासुर पर विजय पाई थी, देवताओं ने महिषासुर पर विजय पाई थी और इस तरीके से जो इंद्रलोक है वो इंद्रदेव को वापस मिल गया और पृथ्वी पर जो राक्षसों ने अपना अधिकार जमा लिया था वो हट गया। तो इसीलिए विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन राम जी ने रावण को हराया था, रावण पर विजय पाई थी, इस वजह से भी इसको विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद भी माता रानी का क्रोध शांत नहीं होता है, तब देवतागण मिलके माता रानी की स्तुति करते हैं और उस स्तुति में ये वाली वंदना गाते हैं, हे गिरनंदिनी हे गिरनंदिनी, और इस तरीके से माता रानी को शांत करते हैं। तो ये थी हमारी विजयदशमी की कहानी। उसी दिन से विजयदशमी पर मनाया जाता है और पूरे समस्त मतलब पृथ्वी पर सभी लोग धूमधाम से जो विजयदशमी का पर्व है वो मनाते हैं। राम जी रावण का हर साल जो हमारे यहाँ रामलीलाएँ होती हैं उसमें हर साल राम जी रावण का दहन करते हैं और इस तरीके से विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो आप सबको कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना,
चैनल के लिए न्यू हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।